सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, मेरी कुछ ऐसी शुरुआत होती है। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाने वाली हूँ। अब क्या बनाने वाली हूँ उसके लिए थोड़ा आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। आज मैं बहुत ही स्पेशल रोटी बनाने वाली हूँ। रोटी तो आप लोग बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसी रोटी हमको नहीं लगता कि आप लोग खाए होंगे, और खाए होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए और देखिए मेरा वीडियो। हाय दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ, और खुश का राज क्या है, आप लोग मेरी खुशी में शामिल होना चाहते हैं तो ये देखिए। टन टन, आज पहली बार मैंने एक लोटा दूध निकाला है। इतनी खुशी लग रही है, मतलब मैं सीख गई दूध निकालने। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं सोची थी वीडियो को ही मैं बनाऊंगी सबसे पहले, जो स्पेशल रोटी है, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। अब निकाली तो निकाली, आज गौ माता बहुत खुश हो गई। शायद मेरा ये मेहनत का कमाल, डेली चारा देती हूँ इसको खाने के लिए। तो हाय दोस्तों, मैंने अपना रेसिपी बनाना, जो मैं बोली थी चावल की रोटी बनाऊंगी, तो वो मैं बनाने के लिए स्टार्टिंग कर दी हूँ। सबसे पहले मैंने ये चावल ले लिया है, लगभग 1 किलो मैंने चावल लिया है। इसको छाट लेती हूँ, क्योंकि ये घर का चावल है तो बहुत ज़्यादा इसमें धान मिलता है। अब धान को इससे छाटूंगी नहीं तो फिर खाने में दिक्कत होगी। ऐसे पिसाने का सब हम लोग पीस जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा चुन देती हूँ। बहुत सारा धान है, जो मशीन पीसने वाला आया था ना, वो बोला कि थोड़ा अगर मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो फिर क्या फायदा। तो ये देखिए मेहनत कर रहा है। तो मेहनत किया हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए ये मैं चावल ले लेती हूँ, मैंने दे दिया, और इसको मैं पानी से भीगने दे देती हूँ। तो ये मैंने चावल को भीगने दे दिया। इसको मैं कम से कम 5 मिनट तक भीगने देती हूँ। 5 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा, इसके बाद इसको छाक देंगे। तो ये मेरा चावल फूल गया है, 5 मिनट हो गया। मैं बोली थी कि 5 मिनट तक फूलने देते हैं, तो ये मेरा रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा हम छाक देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं रोटी बनाने के लिए चावल को पहले पीस लेती हूँ। ये देखिए मेरा चावल। हाँ दोस्तों, ये मेरा चावल तैयार हो गया। मैंने इसका पूरी अच्छा से मैंने पीस लिया है, और यहाँ मैं पानी गर्म होने, सबसे पहले मैं पानी गर्म होने दे देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आटा को गर्म पानी से इसको अच्छा से मिलाऊंगी, सानूंगी, तो वो अच्छा रहता है। तो इसको मैं थोड़ा उबलने दे देती हूँ 5 मिनट के लिए। हाँ दोस्तों, ये मेरा पानी देख रहे हैं उबल रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक दे देती हूँ, थोड़ा सा नमक दे दिया। इसमें मैं 2 चम्मच तेल दे देती हूँ, चम्मच का, यहाँ मैं 2 चम्मच तेल देती हूँ। ये ज्यादा मैं रिफाइंड तेल का यूज करती हूँ, जो सोया रिफाइंड तेल है, ये मैंने दे दिया। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। ऐसे मैं कढ़ाई में भी बना सकती थी, लेकिन मैं अब इसको नीचे उतार लेती हूँ। तो ये मेरा पानी गर्म हो चुका है, मैं इसमें आटा दे देती हूँ। अब मैं इसको चम्मच से घूर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये देख सकते हैं। हमको और इसमें आटा देना है चावल। ये मेरा पानी से मिल गया है, उसके बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए फूलने दे देती हूँ, ताकि उसको जब मैं सानूंगी तो अच्छा से वो सना जाए। अभी मैं यहाँ रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो हाय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं और एक आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ, और आलू की सब्जी रोटी के साथ बहुत मस्त लगता है, क्योंकि मुझे पसंद है आलू की सब्जी, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने तेल दे दिया, इसको गर्म होने देती हूँ। तो पिछले बार की बार इस बार भी बता देती हूँ, मैंने इस मसाला में सब कुछ इसी में मिला दिया है, मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन, जितना कुछ होता है सब मैंने इसी में मिला दिया। अगर आप लोग को तीखा पसंद है तो ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए मैं कम तीखा दी, और बच्चे लोग ज्यादा तीखा खा नहीं पाते हैं। मैं इसी में सब कुछ मिला देती हूँ, नमक, हल्दी, तो तुरंत बन जाएगी। स्वाद अनुसार नमक दे देती हूँ। ये
मैंने जो आलू है पहले ही उबाल के मैंने रख लिया था। ये देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। चलिए सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों मेरी सब्जी आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको उतार देती हूँ। खा था वो देखिए कुछ इस तरह से हो गई, इसीलिए मैंने पहले ही थोड़ा गर्म पानी करके मैंने रख लिया था। तो थोड़ी मैं गर्म पानी दे देती हूँ और इसको मिला लेती हूँ ताकि अच्छा से मिल जाए। देख सकते हैं तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मेरा आटा लगभग गूंदा गया है, तैयार हो गया। मैं इसको लुई बनाती हूँ, छोटा छोटा लुई बनाऊंगी। ये लुई बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल रसगुल्ला की तरह। मैं ऐसे ही और बना लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने लुई बना लिया है और अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्तों मेरी जो मैंने रेसिपी बोली थी चावल की रोटी, वो मेरा तैयार हो चुका है। ये रही मेरी चावल की रोटी और मैंने आलू की सब्जी बनाई है क्योंकि मुझे आलू की सब्जी बहुत पसंद है और साथ में मैंने दूध लिया है क्योंकि दूध मैं पीती हूँ। और क्या बोलते हैं, रोटी के साथ ये दोनों सब्जी, दूध और ये आलू सब्जी मिल जाए तो मेरी बात ही कुछ अलग है। तो चलिए मैं थोड़ा खा के बताती हूँ कि टेस्टी कैसा बना है, टेस्ट हुआ भी है कि नहीं। वाओ बहुत अच्छा बना है। अगर आप लोग घर में बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं और प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आप न्यू आए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करने कभी नहीं भूलिएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल द प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। और हाँ, 10K सब्सक्राइब होने की खुशी में एक पार्टी रखा था वो मेरा भाई है, जो पता है करता था मेरा भाई है। तो आपको डांसर सनातन चैनल में जाना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जल्दी से जाइए और विजिट कीजिए और वीडियो को मजा लीजिए। हमने बहुत मेहनत किया है, आपने पता है जो हमारी जर्नी है स्टार्टिंग से, जो हमारे रेगुलर है पता है हम लोग, मेरा भाई खास करके कितना मेहनती है, उसी की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ। तो मैं बातों को आगे बढ़ाते ना सही मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज के लिए बाय बाय, जय हिंद।